खबर नरसिंहपुर से है, जहां इटारसी से प्रयागराज छिवकी इलाहाबाद जाने वाली पैसेंजर गाड़ी बोहानी स्टेशन पर हुई दुर्घटनाग्रस्त। वहीं दुर्घटना होने से कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन यात्रियों में जरूर मचा हड़कंप। सूचना मिलते ही जिले स्तर के रेलवे के कर्मचारी पहुंचे बोहानी, जहां स्थिति है सामान्य। सूत्रों के मुताबिक जबलपुर पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर रेल मंडल के इटारसी जबलपुर रेलखंड पर कल देर शाम बोहानी स्टेशन पर लगते वक्त इंजन के बाद वाली एक बोगी पटरी से उतर गई। घटना की जानकारी लगते ही यात्रियों में हड़कंप मच गया। वहीं बड़ी दुर्घटना होने से बची सभी यात्री सुरक्षित हैं। घटना के बाद अन्य ट्रेनों को रोका गया। जानकारी के मुताबिक पैसेंजर ट्रेन बोहानी स्टेशन पर लग रही थी और ट्रेन की गति बहुत ही कम थी, इसलिए बड़ी दुर्घटना टली। रेलवे की तकनीकी कर्मचारियों द्वारा ट्रैक को चालू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। क्या नाम है? हम इटारसी से बैठे थे और 8:30 बजे के करीबन 4-5 हॉर्न की आवाज आई, और उसके बाद जब कुछ लोग साइड से आना जाना कर रहे थे, उनसे जब हमने पूछा तो उनने बताया कि पटरी से उतर गई, फिर हम गाड़ी वहीं रुक गई थी। थोड़ी देर बाद जब हम टॉयलेट करने गए, फिर देखा कि वो गाड़ी वो साइड में उतर के देखे ट्रेन से, तो देखे कि सही में सामने की 4-5 पटरी पूरी पटरी से उतर गई है। अच्छा, कहाँ जा रहे थे? हमको सतना जाना है। अच्छा, अब दूसरी ट्रेन में बैठ के जाओगे? नहीं, उसी ट्रेन में ही है। अच्छा जी, बाकी डिब्बे हैं जो? हाँ, पीछे दो भाग करके पीछे वाले भाग को उससे दूसरा इंजन लगा के हमको, और फिर आगे बढ़ गई गाड़ी, और दो 4-5 कोच और पुरानी जो इंजन है वो वहीं रुक गई, बाकी हम आगे बढ़ गए। इटारसी से जी? फिर कैसे पता चला क्या हादसा हुआ, क्या हुआ? हम लोग उधर से आ रहे थे, तो थोड़ा मतलब इससे 50 मीटर दूरी होके थोड़ा मतलब वहाँ जो है थोड़ा धक्का महसूस हुआ, लगा कि कोई कुछ प्रॉब्लम आई है। ट्रेन जबकि हमारी स्लो थी जी, आते आते, लेकिन हम लोग बच गए जी। हमारे ट्रेन साहब जो चालक जो है वो हम लोगों को बचा लिया। क्या नाम है आपका? मुनेश्वर कुमार साह, बिहार। कहाँ से आ रहे थे आप? कहाँ? इटारसी से। कहाँ जा रहे थे? हम लोग जा रहे थे, यहाँ जा रहे थे। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।